الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العلي العظيم عزیزان گرامی سورہ مبارک عنکبوت کی پہلی آیت گزشتہ دو شبوں سے آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. سورہ مبارک عنکبوت جس طرح قرآن مجید کے دوسرے تمام سورے ہیں اسی طرح اس سورے کا بھی بنیادی موضوع توحید ہے. یہ بات بارہا عرض کر چکا ہوں اور ہمیشہ عرض کرتا رہوں گا کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کا بنیادی موضوع توحید ہے. اشتباہ ہے جن لوگوں کو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے یا قرآن مجید کا موضوع کچھ اور ہے. موضوع قرآن مجید توحید اور قرآن مجید کے جو مختلف سورے ہیں ان سوروں کی حقیقت یہ ہے کہ ہر سورہ اپنی جگہ ایک کتاب ہے. یہ ایک بڑی کتاب کے اجزاء بھی ہیں اور بجائے خود اپنی جگہ ہر سورہ ایک کتاب بھی ہے. چنانچہ ہر سورے کی اپنی ایک تھیم ہے. یہ ہے قرآن مجید کی تہداری. پوری کتاب کا ایک موضوع ہے, ہر سورے کا ایک موضوع ہے, ہر موضوع اس موضوع میں جا کر ضم ہو جاتا ہے جو اصل موضوع ہے. پھر ہر آیت کا اپنا ایک موضوع ہے. اور یہ جملہ بھی میں نے جو عرض کیا تھا تو مبالغہ نہیں تھا اس میں, پھر عرض کر رہا ہوں, کہیں اور عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی ہر آیت ایک کتاب ہے, بلکہ ہر حرف ایک کتاب ہے. یہ جو آپ سمجھتے ہیں الف لام میم تین حروف ہیں, یہ تین حروف نہیں, تین کتابیں ہیں. اور دلیل کے طور پر وہی معروف روایت جو پہلے دوسرے مقامات پہ گزارش کر چکا ہوں اس کی طرف اشارہ کروں گا. دو روایتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر چکا ہوں پہلے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ نماز عشاء کے بعد ملتفت ہوئے, متوجہ ہوئے اور ایک خاص لطف سے حضرت ابن عباس سے پوچھا. ابن عباس, ظاہر ابن عباس حضرت کے شاگرد تھے اور ابن عباس کی عمر جو ہے وہ غالباً امام حسین علیہ السلام کی عمر کے برابر تھی,
कहा कि अब्दुल्ला क्या तुमको अल्हम्द के मानी मालूम है? तो अब्दुल्ला भी कोई और तो नहीं थे, अब्दुल्ला इबन अब्बास थे, सहाबा की फहरिस्त में उनका नाम है और तमाम मुसलमान उन्हें हिब्रुल उम्मा के लक़ब से याद करते हैं। हिब्रुल उम्मा यानी इस उम्मत का आलिम। ज़ाहिर है जब दस्तरसी उस्ताद तक ना पहुँच ना हो सके तो फिर इंसान शागिर्द ही पर इक्तफा कर लेता है। बहरहाल जनाब इब्ने अब्बास कोई और होता तो कहता कि हाँ क्यों नहीं, जानता हूँ अल्हम्द के मानी कौन से मुश्किल हैं, यही कहता ना। यानी हमारे यहाँ हाज़रीन और सामईन जो हैं ये अक्सर अरबी इनकी मादरी ज़बान नहीं है, आपकी मादरी ज़बान नहीं है अरबी, लेकिन अगर मैं किसी से पूछ लूँ कि आप अल्हम्द के मानी जानते हैं तो वो मुझे कहर की निगाह से देखेंगे कि अब क्या आप मुझे इतना जाहिल समझते हैं कि मैं अल्हम्द के मानी नहीं समझता हूँ? मुझे खूब समझता हूँ, क्यों नहीं समझता हूँ? लेकिन कौन सवाल करने वाला है, कौन जवाब देने वाला है, क्या माहौल है? जब अमीरुल मोमिनीन सवाल फरमाएं कि अब्दुल्ला तुम अल्हम्द के मानी जानते हो, तो उन्होंने जवाब दिया दस्त अदब जोड़ के कि अल्लाह का रसूल और उसका वसी बेहतर जानता है। इल्म हासिल होता है हमेशा तवाज़ों से, इल्म हासिल होता है तकब्बुर और गुरूर से नहीं। खैर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को बिठाया और उसके बाद अल्हम्द के मानी बयान करना शुरू किए। तो अब नहवी एतबार से आप हज़रत समझ सकते हैं कि अल्हम्द में अलिफ और लाम जो है वो इजाफ़ा है और हे मीम दाल जो है वो असल कलिमा है। आपने तकरीबन शब भर तफसीर बयान की और हम्द तक न पहुंच सकी, सिर्फ अलिफ और लाम की तफसीर बयान करते रहे। मुझे ख्याल आता है कि गालिबन ये मतालिब लाहौर में गुजारिश किए थे। मैं इस जुमले को भी खोल दूँ थोड़ा सा कि शब भर बयान किया और बात अलिफ और लाम से आगे न बढ़ी, ये कोई सादा बात नहीं है। जब इब्तदाई दर्जे के बिल्कुल तालिबे इल्म हों, अलिफ बे पढ़ने वाले, और उन्हें कोई बड़ी हकीकत समझानी हो तो क्या होता है, हर बात को खोल के अलिफ बे की तरह समझाना पड़ता है। इसमें छोटा सा एक नुक्ता समझाने में भी ज़्यादा वक्त लगता है। लेकिन अगर तालिबे इल्म फाजिल है, बासवाद है, तो फिर गुफ्तगु इस्तिलाहों में होती है। इस्तिलाह के क्या मानी है? इस्तिलाह के मानी ये हैं, एक एक टर्मिनोलॉजी में, एक एक इस्तिलाह में बहुत बड़े बड़े मतालिब समोए हुए होते हैं। यानी दो चार दस बीस सफ़े का मतलब एक लफ्ज़ में छुपा हुआ होगा। जब इस्तिलाहों में गुफ्तगु होती है तो फिर वो गुफ्तगु जो महीनों और दिनों में होती है, वो गुफ्तगु चंद सातों में या चंद दकायक में हो जाती है। गुफ्तगु करने वाली ज़ात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की। शागिर्द की हैसियत से सामने बैठे हुए जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, कोई और नहीं। उसके बावजूद अगर अलिफ और लाम की तशरीह में पूरी रात गुजर गई तो इसके मानी ये हैं कि हर हर्फ किताब एक किताब है। अलिफ बजाय खुद एक किताब है, लाम बजाय खुद एक किताब है, मीम बजाय खुद एक किताब है। ये अलिफ और लाम मीम सूरह बकरा के शुरू में भी है, सूरह आले इमरान के शुरू में भी है और इस सूरह अनकबूत के शुरू में भी है। यहाँ पर भी ये समझना चाहिए कि अलिफ और लाम मीम जो तीन या तीन से ज़ायद मकाम पर कुरान मजीद में आया है, अलिफ और लाम मीम
ये भी जूं का तू मुकर्रर नहीं है, इसलिए कि अब ये जुमला भी कदीम है, पुराना है, बहुत बार अर्ज कर चुका हूँ आपके सामने, इसलिए कि उसमें तशरीई और तकवीनी बहुत से हकायक हैं, इसलिए वो मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में बार बार आता है कि निज़ाम इलाही में, निज़ाम हक सुभाना व तआला में तजल्ली में तकरार नहीं है। अब तजल्ली में तकरार नहीं है, इसको यूँ समझिए, एक मिसाल दे दूँ बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बारिश के मुतालिक तो आप सोच सकते हैं कि समंदर से बुखारात उठते हैं, वो ऊपर जाते हैं और फिर बारिश की शक्ल में नीचे आते हैं, तो गोया एक साइकिल है, तो वही पानी जो ऊपर गया वही फिर शक्ल बदल के वापस आ गया। आप कह सकते हैं कि ये कंदे मुकर्रर है, ये जो था हासिल वही दोबारा हासिल हुआ। लेकिन आज तक कोई थ्योरी ऐसी नहीं आई कि सूरज की किरणें ज़मीन तक आती हैं फिर पलट के जाती हैं, वही किरणें सूरज से आती हैं फिर पलट के जाती हैं फिर वही किरणें, सूरज से जो एक किरण चली वो दोबारा वापस सूरज तक जाने वाली नहीं है। तो सूरज से जो तजल्ली हो रही है उसमें कोई तकरार नहीं है, तवज्जो है। जब इस सूरज में तकरार नहीं है जो एक अदना मखलूक है ज़ात हक़ सुभाना हुआ ताला का, तो ख़ुद ज़ात हक़ सुभाना हुआ ताला में फ़ैवान में कहाँ तजल्ली में तकरार मुमकिन है, उसका फ़ैवान मुसलसल है, तजल्ली मुसलसल है, तकवीन में भी तशरीह में भी। वो जो क़ुरान मजीद में मुख्तलिफ ताबीरात में ये बात कही गई है, बहरहाल तो ये जो इससे पहले मैंने बिस्मिल्लाह के ज़िम्न में ग़ालिबन अर्ज़ किया था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो 114 मरतबा कुरान मजीद में आया है, ये हर जगह एक तर्जुमा थोड़ी होगा इसका, ये तो हम लोगों की नारसाई है, हम नहीं पहुंच सकते उन हकायक तक, कशफ नहीं कर सकते, इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा हर जगह एक जैसा कर देते हैं। वरना कतान नहीं है, कतान नहीं है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक तर्जमा हर सूरे में, हर सूरे में अलग तर्जमा चाहिए, कतान नहीं है। अब इस मरतबा गालिबन अगर लुत्फ इलाही हुआ और तौफीक नसीब हुई तो कुछ तो कम से कम इस बाब में अर्ज़ करूँगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के तर्जमे किस तरह तब्दील हो रहे हैं। कल तक जो गुफ्तगू चल रही थी ये सब गुफ्तगू कुरान मजीद के तर्जमे की गहराई कितनी है और तजल्ली में तकरार नहीं है और बिस्मिल्लाह का तर्जमा बार बार तब्दील कैसे हो सकता है जबकि अल्फाज बज़ाहिर वही हैं, अलिफ लाम मीम इसकी हकीकत क्या है, दूसरे हरूफ मुकत्तआत की हकीकत क्या है, ये तमाम बहसों से मुकद्दम वो बहसें हैं जो मैं गुज़श्ता 2-3 शबों से आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि हकीकत तावील को समझें। जब तक तावील की हकीकत समझ में नहीं आएगी और तावील की सही राह गिरफ्त में नहीं आएगी, ये है राह तावील कुरान, उस वक्त तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। चंद आयतें मैंने कुरान मजीद से अर्ज़ की थी और मिसाल में रोज़ाना तकरीबन बात सूरह हम्द और उस कलिमा मुबारक सिरात मुस्तकीम तक पहुंचती है। आज एक सवाल आया है मेरे पास, मैं इनक्रेज करता हूं आप हजरात के जहनों में अगर सवालात हों तो ज़रूर सवाल हम तक आना चाहिए, आपके सवाल से भी हमारे इल्म में इजाफा होता है और सवाल ही है जो इल्म बशरी में बरकत की कलीद है। इल्मी सवाल ये इल्म बशरी की बरकत की कलीद है। पूछेंगे नहीं तो जाहिल रह जाएंगे और इंसान हर मसले में सवाल करने में तो दस्ते सवाल दराज कर देता है, इल्ला इल्म,
अक्सर लोगों की तबीयतें ये हैं कि चूंकि जहले मुरक्कब का शिकार होते हैं, इसलिए अपने को आलिम कुल समझ लेते हैं। हम पूछें क्यों, हम क्या उनसे कम हैं, क्या हमें नहीं आता, या हम पूछ के क्यों अपने जहल का इजहार करें। इसी अखलाकी तरबियत के लिए बार बार अमीरुल मोमिनीन फरमाते थे सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़दूनी। ये दावाए सलूनी नहीं था, दावत सलूनी थी। फ़र्क है दोनों। कलाम मासूम और सीरत मासूम को समझने के लिए भी हौसला चाहिए। दावाए सलूनी, हालांकि उन्हें जेब देता था दावाए सलूनी, वो थे इस कायनात के सबसे बड़े आलिम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, और इस कायनात के सबसे बड़े मुअल्लिम हजरत सरवर कायनात खत्मी मर्तबत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आलिम। तो इन्हें जेब देता था दावा सलूनी। और ये ज़िमन अर्ज कर दूं कि मशहूर तो यही है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के अलावा किसी ने सलूनी नहीं कहा, लेकिन रिवायतों में है कि हज़रत अली से पहले ख़ुद रसूलुल्लाह ने सलूनी फरमाया है, और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बाद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम सलूनी फरमाया है। और मैं ये अर्ज़ करूँ कि किसी और ने फरमाया हो या ना फरमाया हो, ये जो चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम का सिलसिला है, इनमें से हर एक साहेब मिंबर सलूनी था। सबसे ज़्यादा ये तजल्ली हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी से ज़ाहिर हुई, ये अपनी जगह एक हकीकत है। ये दावत सलूनी बार बार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाई है, बार बार दावत सलूनी। तरबियत है, ये पूछो तो इल्मी सवाल करने में झिझक नहीं होनी चाहिए। खैर, ये तो एक दरमियान में बात थी। हमारे यहाँ आम तौर पर जो सवालात किए भी जाते हैं, आम तौर पे जो अब आदि हो गए हैं लोग, वो उन सवालात को करते हैं जो ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी से मरबूत नहीं हैं। सवाल कीजिए, मगर गौर कीजिए कि क्या कर रहे हैं, सवाल कर क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं तो क्या पूछ रहे हैं। वो बात पूछिए जिसकी ज़िंदगी में ज़रूरत हो, जिससे हमारी आपकी ज़िंदगी में कुछ रोशनी पैदा हो, आमली कोई मुश्किल हल हो। क़ुरान की रोशनी में, हदीथ की रोशनी में, सीरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने मसाइल को हल करने के लिए सवालात कीजिए। माफ़ फरमाइएगा, जो हमें तजर्बे हैं वो ये हैं कि आमतौर पर सवालात जो बहुत से लोग सवाल करने के आदी होते हैं, वो अपनी जगह समझते हैं कि मुझे कुछ मालूम है, आओ देखो ज़रा इन्हें भी कुछ आता है कि नहीं आता। इससे गिरा हुआ तसव्वुर नहीं हो सकता, ये अख़लाक़ी कमज़ोरी है। आपने पहले अपने आप को आलिम तसव्वुर कर लिया, और फिर इतना बड़ा आलिम तसव्वुर कर लिया कि जो दूसरे तालिब इल्मों का आप इम्तिहान भी लेने के अहल अपने को समझ लिया, और उसके बाद सवाल लेके आते हैं, देखें इनकी मालूमात कितनी है, देखें इन्हें मालूम है कि नहीं मालूम है, हैं? या और उसमें भी वो सवालात होते हैं जो ज़िंदगी से बराह रास्त मरबूत नहीं। आपकी शब रोज़ की ज़िंदगी, सुबह से शाम तक जो आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये ज़िंदगी अगर क़ुरान मजीद की रोशनी में बसर नहीं हो रही है, अगर ये रोशनी शरीयत के ज़ेरे साया बसर नहीं हो रही है, तो आप कभी भी सिरात मुस्तकीम तय नहीं कर सकते। हम व गम आपको अपनी ज़ात का होना चाहिए। ये एक बड़ी कमज़ोरी है, हर शख्स दूसरे के लिए फ़िक्रमंद है, आप अपने लिए फ़िक्रमंद हों, अपनी फ़िक्र तो करें। शेख व खुद बाश, अपनी फिक्र तो करें, दूसरे की फिक्र छोड़ दें। बहरहाल, ये ज़िमनन चंद जुमले अर्ज़ कर दिए। बात तो ये थी कि एक सवाल जो आया है वो बहुत
मुबतला बे सवाल है इल्मी एतबार से, तालिब इल्माना डिसिप्लिन के एतबार से, कि मैं तीन लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ रोज़ाना, तर्जमा, तफसीर, तावील। अब और भी तो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, मसलन तशरीह, मसलन ताबीर, मसलन तौज़ीह, और भी बहुत से कलिमात हो सकते हैं, इनमें आपस में क्या फ़र्क है। तो मैं पहले ही अर्ज़ कर दूँ कि अब ये ज़बान के इस्तेमाल की बात है, हर हर लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ से मुमताज़ और मुमय्यज़ अलग मानी और मफहूम ज़रूर रखता है। मुतरादिफात का वजूद बहुत मुश्किल है कि साबित किया जाए कि मुतरादिफ दो कलमे मुतरादिफ हैं, कहीं ना कहीं कोई इम्तियाज़ और फ़र्क ज़रूर होगा। हालांकि लुगत की किताबों में मुतरादिफात की बड़ी बड़ी लंबी लंबी फहरिस्तें होती हैं। मिसदाक के एतबार से अल्फाज और कलिमात मुतरादिफ होते हैं, मफहूम के एतबार से नहीं। ये बड़ी दकीक बहस है लिसानियात की, इल्म लुगत की। मसलन एक ही चीज़ को, एक ही चीज़ के दो नाम हैं, लेकिन वो दो नाम क्यों हैं? चीज़ एक है, नाम तो दो हैं ना, तो दो नाम हैं तो दो मफहूम होंगे। दोनों कलिमात में कोई ना कोई एक ख़ास रुख का ख्याल किया गया होगा। एक ही चीज़ को किसी ने एक जाविये से देखा, किसी ने दूसरे जाविये से देखा, किसी ने तीसरे जाविये से देखा, किसी ने चौथे जाविये से देखा। जिस जाविये से जिसने देखा उसने वो नाम तजवीज़ कर दिया। तो हकीकत के एतबार से वो सब नाम एक चीज़ के नाम होंगे, मफहूम के एतबार से अलग अलग नाम होंगे। अल्लाह सुबहानहु व तआला की ज़ात गिरामी कौन जानता है? कौन है हकीकत ज़ात किब्रिया तक कौन पहुँच सकता है? नामुमकिन है। मगर बहरहाल एक हकीकत है, एक हकीकत कुबरा है, एक ज़ात है, लेकिन उस ज़ात गिरामी के नाम अल्लाह है, रहमान है, रहीम है, रब है, मलिक है, मालिक है, कुद्दूस है, सलाम है, मोमिन है, मुहैमिन है, अज़ीज़ है, जब्बार है, रऊफ़ है, इला आखिर ही शकूर व सबूर, कितने नाम हैं। एक रिवायत में 99 नाम हैं। जोशन कबीर आप पढ़ते हैं उसमें 1001 नाम अल्लाह सुबहानहु व तआला के। उसूल काफ़ी में एक जगह है कि अल्लाह के नाम तो 4000 से भी ज़्यादा हैं। असल ये 4000 भी तहदीद के लिए नहीं है, अल्लाह सुबहानहु व तआला के इतने नाम हैं कि जितनी गिनतियाँ मुमकिन नहीं हैं। हद व हसर व शुमार से बाहर है। वो ज़ात गिरामी नाम तनाही है, उसके असामी भी नाम तनाही। इसीलिए अस्माए मुस्तअथरा की तादाद भी कोई नहीं जानता कितने हैं। मुस्तअथर उसे कहते हैं कि कुछ नाम वो हैं जो जाहिर किए गए, कुछ नाम वो हैं जो जाहिर नहीं हुए। तो जो अस्मा जाहिर नहीं हुए, किसे अंदाज़ा है कि वो कौन से अस्मा हैं और कितने अस्मा हैं। बहरहाल बात दूर तक पहुंच गई, बात तो बहुत ही सतही मंजिल पे अभी हम हैं, और वो ये है कि तशरीह, हम लोग तफसीर के मुतरादिफ तशरीह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। तशरीह का लफ्ज़ अरबी, इसकी रीशयाबी करें यानी रीशय सुखन तक पहुँचें, जड़ तक पहुँचें, रूट वर्ड तक पहुँचें, तो शरह के मानी है किसी चीज़ को खोलना। इल्म तशरीहुल अज़ा के मानी है कि आप इंसान के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके हर हर उसके हिस्से और एनाटॉमी दिया। इल्म तशरीहुल अज़ा तो इसलिए कि खोल कर जिस्म को, एक एक रग, एक एक रेशा, एक एक उज़्व। तशरीह जब इबारत की होगी तो उसके मानी होंगे कि एक एक लफ्ज़, लफ्ज़ की हयात, लफ्ज़ का मादा, है ना, लफ्ज़ की हयात और मादे की क्या मानी है। मसलन हम्द, हे मीम दाल इसका मादा है। हम्द में अलहम्द एक अलग शक्ल है। हमिद अल्लाह, हमिदा एक अलग कलिमा आया। यहमद एक अलग कलिमा आया। हामिद एक कलिमा अलग आया। महमूद एक कलिमा अलग आया, है ना। तो हामिद, महमूद, हम्द, हैं ये तमाम कलिमात सूरत बदलती जा रही है, मादा एक है।
तो कभी ये तशरीह करनी पड़ती है कि इसका मादा क्या है, इसकी सूरत क्या है, हयात क्या है। या लफ्ज़ इस्म है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जब तफसीर में वारिद होंगे तो बे हर्फ जर एक हर्फ के बाद जो कलिमा आएगा इस्म है। यहाँ ये बहस है कि इस्म कलिमा निकला कहाँ से, इस्म का कलिमा कहाँ से निकला, इसका मादा क्या है। इसमें इख्तिलाफ है, इसमें इख्तिलाफ है कि इस्म का मादा क्या है, और मादे के इख्तिलाफ के लिहाज से मानी में इख्तिलाफ है, नताइज में इख्तिलाफ है। गौर फरमाएं, ये बहसें आएंगी इंशाअल्लाह। सिरात एक लफ्ज़ है कुरान मजीद में, बार बार आया है। इल्म लुगत और इल्म उलूमुल कुरान में जो मुफरदात कुरान की बहस आती है, यानी ज़बान कुरान की, ख़ास ज़बान कुरान की बहस आती है, उसमें यह है कि लफ्ज़ सिरात अरबी उल असल नहीं है, ये अरबी का लफ्ज़ नहीं है असलन। कुछ हैरत हो गई आप। और इसीलिए सिरात जो है वो सीन से सिरात भी हो सकता है, ज़े से ज़रात भी हो सकता है, कई शक्लें हैं इसकी लुगत में। और ये तमाम शक्लों पर जिन लोगों ने मुफरदातुल कुरान पर बहस की है, जिन लोगों ने लुगातुल कुरान पर बहस की है, उन्होंने बहस की। लेकिन तमाम मुसलमान इस वक्त पाबंद हैं कि जिस वक्त नमाज पढ़ें, नमाज में वो किसी और शक्ल की पाबंदी नहीं कर सकते, वो सिर्फ़ और सिर्फ सिरात साद से ही सिरातल मुस्तकीम यही पढ़ेंगे। हर नुस्खे में यही मिलेगा, हर नुस्खे में यही छपा हुआ है, और हमें और आपको पाबंद किया गया है कि आप इस कलमे में फ़र्क नहीं करेंगे, ताकि कुरान मजीद हर तरह की तहरीफ से महफूज रहे। बहरा बात यहाँ तक आ गई मिसाल मिसाल में कि तशरीह का कलमा तफसीर के तकरीबन मुतरादिफ इस्तेमाल होता है। अलबत्ता तशरीह का लफ्ज़ आम अदब पारों की तशरीह के लिए भी इस्तेमाल होता है, तफसीर का लफ्ज़ कुरान मजीद से मखसूस हो गया है। और तफसीर में और आम तशरीह में एक फ़र्क बड़ा ये है कि आप गालिब का कोई शेर ले आइए, मुतनबी का कोई शेर ले आइए, मीर तकी मीर का कोई शेर हो, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कोई इबारत हो, और कहिए तालिब इल्म से कि इसकी तशरीह करो, तो वो तशरीह में आज़ाद है, जितने मानी उसकी समझ में आए उन लफ्ज़ों से वो बयान कर सकता है, गुनाहगार नहीं होगा। एक शेर या एक इबारत के भाई इस इबारत के ये मानी भी हो सकते हैं, 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 ये मानी बयान करता चला जाएगा, और एक शेर के जितने ज़्यादा मानी बयान करेगा उतना ही बड़ा वो सुखन फहम समझा जाएगा। तवज्जो है, कुरान मजीद की तफसीर में ये पाबंदी है कि आपकी जो समझ में आ रहा है वो हम नहीं सुनना चाहते, वो कहना क्या चाह रहा है वो हम सुनना चाहते हैं। सुखन फहम वो नहीं है कि जो अपनी फहम से गुफ्तगु करे, यहाँ मकतब कुरान में सुखन फहम वो है कि जो मुराद मुतकल्लिम तक पहुँच जाए, यह हक़ फहम है। यानी एक लफ्ज़ हमारे पास है, इस लफ्ज़ से हम कल्ब मशीयत तक पहुँच जाए। अब मैं आपको मिसाल अर्ज करूँ कि मसलन एक ही जुमला है, एक ही जुमला मुझसे और जनाब डॉक्टर हसन ज़फ़र ज़ैदी साहब से दोस्ताना रवाबित हैं, इस हद तक दोस्ताना रवाबित हैं कि गोया मिजाह भी कभी कभी हो जाता है, तो वो जुमला मिजाहन मैं कहूँ। तो जब मैं अब ये कोई, ये तो ज़ौक आप हजरात समझते हैं ना कि मिजाह करने से पहले बताया थोड़ी जाता है कि देखिए अब अगला जुमला मैं मिजाहन कर। तो ये नियत कल्ब में होती है, ये नियत होती है दिल में कि मैं जुमला मिजाहन कह रहा हूँ। देखिए किसे कहते हैं दिल से दिल को राह होती है, इसका तजर्बा कीजिए। दिल में मेरे है कि आज ये आएंगे तो हो सकता है थके हुए हों, मगमूम हों, परेशान हों, महजून हों, बहुत से
आज मैं ऐसी बात करूंगा कि ये खुश हो जाए, इसलिए मैं मज़ाक करूंगा। ये बात मेरे दिल में है, आते ही मैंने एक जुमला कह दिया। चूँकि दिल में मेरे ये था कि मैं मज़ाक करूंगा, इसलिए उसका नतीजा इनके दिल में ये पैदा हुआ कि मसर्रत पैदा हुई। जुमला सुन के दिल में मसर्रत पैदा हुई। अब मैं सिर्फ मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ, आप मिसाल को सही ना समझ लीजिएगा। फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ कोई और साहब भी तशरीफ़ फरमा हो और मुझसे उनका रिश्ता दोस्ताना ना हो बल्कि नऊज़ु बिल्लाह मुआनेदाना हो, दुश्मनी का रिश्ता। वही जुमला मैं तंज की नीयत से, मिजाह की नीयत से नहीं, तंज की नीयत से उनसे कह दूँ, और जैसे ही मैं वो जुमला कहूँगा, जुमला वही कहूँगा, तंज करने से पहले भी इंसान ये थोड़ी कहता है कि देखिए होशियार रहिएगा मैं तंज करने जा रहा हूँ। दिल में नीयत होती है तंज करने की और इंसान तंज करता है। वही जुमला जो हमने इनसे कहा और इनके दिल में मसरत पैदा हुई, वही जुमला उनसे कहा लेकिन उनके दिल में मसरत के बजाय हुज़्न पैदा हो गया या और अदावत भड़क गई। दरमियान में अल्फाज तो वही थे, अल्फाज में तो फर्क नहीं था, बेआईन ही वही अल्फाज, नहवी एतबार से, सरफी एतबार से वही अल्फाज थे। जूं का तू वही जुमला इनसे कहा, इनके दिल में मसरत पैदा हुई, उनसे कहा उनके दिल में अदावत पैदा हो गई। ये जो तासीर का फर्क हुआ वो यहां दिल से ताल्लुक रखता था, जबान से ताल्लुक नहीं रखता। अब ये दोनों हजरात, वो जिनके दिल में अदावत पैदा हो गई, वो चले जाएं काजी शहर के पास और कहें जनाब ऐसा है कि इन्होंने ये जुमला कहा और मैं काजी शहर की तरफ से तलब किया जाऊं और जाऊं तो मैं क्या करूंगा, डॉक्टर अहसन को साथ ले जाऊंगा और कहूंगा कि जनाब ऐसा है कि यही जुमला मैंने इनसे भी कहा था, ये तो खुश हुए, ये नाखुश क्यों हो गए। दुनिया की अदालत में तो हो सकता है छूट जाऊं, लेकिन वो जो दिलों के हकायक से वाकिफ है, वो जो दिलों के हकायक से वाकिफ है, वो हमारे इस मुगालते से उसका फैसला बदलने वाला नहीं है। दुनिया में ये सब मुमकिन है, आखिरत में ये सब मुमकिन नहीं है। लेकिन ये एक अखलाकी बहस भी, दीनी बहस भी हो गई है ना, कि लफ्ज़ वही है, जुमले वही हैं, लेकिन ये जुमला जब आप कहें तो आपकी दिल की हालत और दिल की कैफियत और दिल में नीयत जो होनी चाहिए वो जितनी खालिसाना होगी, जितनी मुखलिसाना होगी, जितनी मुतअब्बिदाना होगी, जितनी रूहानियत होगी, जितनी नूरानियत होगी, उतना ही उसका असर मुरतब होगा, उतना ही उसका नतीजा सामने आएगा, उतने ही बरकात सुखन हासिल होंगे। ये तो इधर से मिसाल थी। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि दरमियान में रिश्ता लफ्ज़ का है। जिस तरह हम एक दूसरे से करीब हैं और हम लफ्ज़ से दिल की हालत तक पहुंच जाते हैं, दिल से दिल को राह होती है, दिल से दिल को राह होती है। अगर दरमियान में मोहब्बत है तो जो हमारे दिल में नीयत थी कि इनका दिल आज खुश करें, इन्हें मसर्रत अता करें, वो मसर्रत इनके दिल में पैदा हो जाती है। अगर दिल में अदावत का रिश्ता है, दरमियान में अदावत का रिश्ता है, तो फिर वही अल्फाज हिकायत करते हैं कि मियाँ ये जुमला तंजन कहा गया है, मोहब्बत से नहीं कहा गया है। तवज्जो है, तवज्जो है। काश हमारे और कल्ब मशीयत के दरमियान इतनी सफाई बरकरार रहे कि जब कुरान मजीद की आयतों की तिलावत की जाए तो वही नूर दिल पर मुतजल्ली हो जो मुराद हक सुभानहू व तआला है। और ये तभी मुमकिन है जब दरमियान में मवद्दत का रिश्ता रहे, अदावत का रिश्ता रह न रहे, शक का रिश्ता न रहे, बेयकीनी का रिश्ता न रहे। इसीलिए पाबंद किया गया है कि अपने अल्लाह से अगर जन का, गुमान का रिश्ता रखो तो हुस्न जन रखो, और नबी और आले नबी से रिश्ता रखो तो मवद्दत का रिश्ता रखो। قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये रिश्ता मवद्दत क्यों लाजिम करा दिया गया? अगर मवद्दत का रिश्ता होगा तो कुरान मजीद की नूरानियत आपके ऊपर मुतजल्ली होगी। इसीलिए अर्ज करता हूँ, अरबी में आलिम व फाजिल होना बहुत बड़ी शर्त नहीं है। है शर्त, बड़ी शर्त है, कड़ी शर्त है, मगर फिर भी इतनी बड़ी शर्त नहीं है। दूसरे तमाम ज़ाहिरी उलूम में महारत इतनी बड़ी शर्त नहीं है, जितनी बड़ी शर्त यह है कि दिल का रिश्ता खुदा रसूल और अहले बैत रसूल से मवद्दत का रिश्ता, यकीन और मवद्दत का रिश्ता। अगर माह मुबारक रमज़ान में भी हम यकीन और मवद्दत का रिश्ता मुस्तहकम नहीं कर सके तो समझिएगा कि हमें ईद करने का हक नहीं है। अगर हम यकीन और मवद्दत का रिश्ता माह मुबारक रमज़ान में हल नहीं कर सके, पैदा नहीं कर सके, मुस्तहकम नहीं कर सके, तो हमें ईद करने का हक नहीं है। कैसी ईद, किसकी ईद? बेयकीनी की ईद भी कोई ईद होती है? अहले शक की ईद भी कोई ईद होती है? अहले रैब व रिया की ईद भी कोई ईद होती है? मोहम्मद और आले मोहम्मद से बेगाना होकर भी कोई ईद हो सकती है और इस्लामी ईद? नामुमकिन, नामुमकिन। बहरहाल मिसाल मिसाल में बात यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन कल एक बात अर्ज की थी, बच्चों के लिए तो ठीक है, बड़े भी समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मुझे खुद दिल में एक अंदेशा पैदा हुआ, ऐसा ना हो कि कोई उसको बहुत ही सतही अंदाज से ले। मैं लफ्ज़ सरात और सरातुल मुस्तकीम की तफसीर और तावील, तर्जमे तफसीर और तावील की मिसाल में अर्ज़ कर रहा था कि ये ज़मीन तो गोल है, आप कोई भी ख़त खींचेंगे तो वो ख़ुद ब खुद मुनहनी होता चला जाएगा। इससे ये तसव्वुर ना हो कि वाकई सिरात कोई खारिजी रास्ता है। खारिज यानी हमारे जहन से खारिज, हमारे वजूद से खारिज है। खारिज में वाकई सड़क कोई बनी हुई है, दो चार दस बीस सड़कें हैं जिनमें सब टेढ़ी मेढ़ी हैं, एक सीधी सड़क है उसका नाम है सिरात मुस्तकीम, उसे ढूंढना है। ऐसा नहीं है, किसी ज़मीन पर यह रास्ता बना हुआ नहीं है, कहकशानों में ये रास्ता बना हुआ नहीं है, खला में ये रास्ता बना हुआ नहीं है, फ़ज़ा में ये रास्ता बना हुआ नहीं है, कहीं ये रास्ता बना हुआ नहीं है। ये अस्सिरातुल मुस्तकीम, इसकी वजाहत जो सिरातल्लज़ीना से की गई इसीलिए की गई कि ये रास्ता बाहर कहीं नहीं है, वजूद मुबारक पैगम्बर में ये रास्ता है, वजूद इमाम के अंदर ये रास्ता है। इमाम जो कदम रख दे, जहां कदम रख दे वही सिरात मुस्तकीम। इमाम पत्थर पे कदम रख दे वो सिरात मुस्तकीम है। इमाम सहरा में कदम रख दे वो सिरात मुस्तकीम है। इमाम कांटों पे कदम रख दे वो सिरात मुस्तकीम है। इमाम भड़कते हुए आग के शोलों पे कदम रख दे वो सिरात मुस्तकीम है। इमाम जहां रास्ते, जो रास्ता इमाम के नक्शे कदम से बनता चला जाए, चाहे जाहिरी एतबार से उसमें कितना ही नशे व फराज हो, चाहे वो पहाड़ों से गुजर रहा हो, चाहे वो दरियाओं से गुजर रहा हो, चाहे वो सहराओं से गुजर रहा हो, चाहे वो रेगजारों से गुजर रहा हो, जहां से भी गुजरे वही रास्ता सिरात मुस्तकीम है जो नक्श कदम मोहम्मद और आले मोहम्मद से बनता चला जाए। याद जुमला मैंने अर्ज कर दिया, दलील इंशाअल्लाह कल। परवरदिगार हमें और आपको सबको तौफीक अता फरमाए कि हम इन हकायक को समझ सकें। ये अभी जो मैंने जुमला अर्ज किया ये एक बड़ी फलसफियाना हकीकत है, इसके पीछे फलसफियाना बहस है, फलसफे की बहस है, हकीमाना बहस है, और उसके ज़िम्न इरफान व कलाम उन सब के इंशाअल्लाह परवरदिगार हमें इन हकायक को समझने की तौफीक अता फरमाए, हमें कुरान मजीद की सही तिलावत और क़रात की तौफीक अता फरमाए, और हमें उम्मत कुरान, उस उम्मत कुरान के अफराद में करार दे जिसे हज़रत सैयदुश्शुहदा अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम ने उम्मत कुरान कहा है। परवरदिगार हमें फ़र्जंद हुसैन, फ़र्जंद ज़हरा, फ़र्जंद पैगम्बर, इमाम आखिर अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के खुद्दाम और नौकरों में करार दें।
परवरदिगार उनको इज़्ने ज़ुहूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत और राफत और अदालत और रहमत का परचम लहरा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.